हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा या पता नहीं है, तो मैं आप सभी को यहाँ पे बता देता हूँ कि इस चैनल पे हर रोज फ्रेंड्स 8 से 8:30 के बीच में ब्लॉगर का सीरीज चल रहा है। तो गाइस, ये हाँ वीडियो जो है यह सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे मिल जाएगी। आप पहले जाके यह वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा। तो गाइज, अगर आप यह सीरीज जो इस चैनल पे अभी चल रहा है, तो गाइज अगर आप कंटिन्यू देखेंगे तो आप वेब डेवलपर का मास्टर बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और एक अपने लिए बहुत ही अच्छा वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो और गाइज अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइज मैं इस सीरीज में आप सभी को बताऊंगा पूरा A to Z किस तरह से आप फ्रेंड्स के मतलब किसी भी तरह का वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो और उस पर एडसन अप्रूव करवा सकते हो और इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइज चलिए चलते हैं और आप सभी को बताते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले चलिए चलते हैं यहाँ पे। और गाइज आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को गाइज सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज अभी इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए गाइज चलते हैं अपने वीडियो के इस तरफ। और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, आपको पता होगा कि जब हमने यह वीडियो को छोड़ा था गाइज, जो वीडियो मैंने फर्स्ट वीडियो को छोड़ा था, तो यहाँ पर आके मैंने छोड़ा था। तो चलिए सबसे पहले इस व्यू ब्लॉग को यहाँ पे क्लिक करके इस जो हमारा वेबसाइट बना था उस वेबसाइट को यहाँ पे देख लेते हैं। तो गाइज जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया हूँ कि इस तरह का हमारा जो है वेबसाइट यहाँ पे दिखेगा। तो गाइज चलिए मैं आज यहीं से स्टार्ट करके आप सभी को बताऊंगा। आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा कि गाइज आप किस तरह आप यहाँ पे लोगो चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे गाइज यहाँ पे जो मेनू है आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है कि इस साइड में आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको यहाँ पे दिखेगा गाइज इस साइड में आप आइएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा लेआउट। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है कि आप किस तरह से लोगो एक क्रिएट कर सकते हो, तो इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप इस चैनल पे जाकर देख सकते हैं वीडियो किस तरह से आप एक प्रोफेशनल लोगो डिजाइन कर सकते हो। तो गाइज यह ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होकर आएगा। तो आपको फ्रेंड्स लोगो चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे हेडर लोगो दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे डेमो साइट दिखेगा और गाइज यहाँ पे एक पेंसिल का बटन दिख रहा है, तो सिंपली आपको उस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ रहा है और यहाँ पे आप नीचे आइएगा, थोड़ा नीचे कीजिए तो यहाँ पे आपको दिखेगा नीचे में, ये देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे इमेज शो हो रहा है। देन आपको नीचे में गाइज यहाँ पे दिखेगा रिमूव इमेज, ठीक है। उसके नीचे में आपको ये 3 दिखेगा, तो आपको मैं इसको समझा रहा हूँ। यहाँ पे बिहाइंड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं, ठीक है गाइज। और यहाँ पे आप इमेज का ओनली शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रिमूव इमेज दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे चूज फाइल का बटन दिखेगा, तो आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और आपने जो भी लोगो बना कर रखे हुए अपने वेबसाइट के लिए उस लोगो को यहाँ पे चूज कीजिएगा। तो चलिए मैं एक के लोगो बना कर रखा हूँ और मैं उसको चूज कर लेता हूँ, फाइंड आउट कर रहा हूँ को कहाँ है। देखिएगा यहाँ पे लोगो है, तो मैं चलिए इसको ओपन करता हूँ।
या ओपन होने के बाद यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग इसका चल रहा है लोडिंग का। तो गाइज यहाँ पे देखिए ये लोडिंग हो चुका है और मेरा लोगो इस तरह का दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली यही रहने देता हूँ। देन आपको मैंने जैसा कि बताया था कि आप अपने वेबसाइट का नाम भी चेंज कर सकते हो। तो गाइज आपको यहाँ पे ब्लॉग टाइटल दिखेगा, आपको उसके साइड में यहाँ पे डेमो साइट, जैसा कि मैंने वेबसाइट का नाम यहाँ पे डेमो साइट रखा हुआ रखे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको डेमो साइट दिख रहा है। आप चेंज करना चाहते हो तो आप इसको चेंज कर सकते हो यहाँ से। अगर आपको वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है गाइज। तो चलिए उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में यहाँ पे सेव का बटन दिखेगा, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही गाइज उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा चेंज सेव्ड फॉर डेमो साइट, ठीक है। तो चलिए अपने चलते हैं वेबसाइट की ओर। यहाँ रहा हमारा वेबसाइट और इस पर गाइज आने के बाद यहाँ पे पुराना वाला जो लोगो शो हो रहा है आपको इसको रिफ्रेश यहाँ से करना है। एक बार रिफ्रेश कीजिए अपने वेबसाइट को तो आपको यहाँ पे दिखेगा गाइज। यहाँ पे देखिए मेरा जो लोगो हमने अभी अभी लगाया है वो लोगो यहाँ पे चेंज हो गया गाइज, ठीक है गाइज। आपको यहाँ पे बोर नहीं होना है और आपको ये नहीं सोचना है कोई भी गाइज यहाँ पे कोई भी चीज एक बार सीखा नहीं जाता है दोस्तों, धीरे धीरे सीखना पड़ता है। जैसा कि आप कॉलेज में गए होंगे या अभी तक स्टडी जितना भी किए होंगे तो आपको गाइज यहाँ पे पता होगा कि कोई भी चीज पहले कोई भी बच्चे को सिखाया जाता है गाइज। अगर इंग्लिश सिखाया जाता है तो पहले उसको ए बी सी डी सिखाया जाता है, उसके बाद ही वो अंग्रेजी का कोई भी लेटर जान पाता है। तो गाइज यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप हर सीरीज आने वाला सीरीज में आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज में बारीकी से अच्छा से समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। और गाइज मैं यहाँ पे जो वेबसाइट बता रहा हूँ आप वही वेबसाइट नहीं, आप दुनिया का किसी भी तरह का किसी भी टाइप का वेबसाइट आपके दोस्तों क्रिएट कर सकते हो अगर यह वीडियो आप पूरा देख लेते हो, अगर इस सीरीज को आप पूरा देख लेते हो गाइज। तो आने वाले सीरीज के लिए वीडियोज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे मेरा लोगो चेंज हो गया है, अब बारी आता है यहाँ पे गाइज। जैसे यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे आपको मेनू दिख रहा है गाइज। यहाँ पे होम है, फीचर्स है, मेगा मेनू है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है और गाइज यहाँ पे डाउनलोड दिस टेम्पलेट जो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था। तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप किस तरह का बनाना चाहते हैं गाइज उस तरह का आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को पहले बता देता हूँ एक वेबसाइट ओपन करके और उसमें क्या क्या चीज लगता है दोस्तों। चलिए मैं जैसा कि मेरा एक वेबसाइट है मैं उसको सर्च करता हूँ यहाँ पे और उसके अकॉर्डिंग आपको मैं समझा पाऊंगा कि दोस्तों उसमें क्या क्या चीज लगता है। तो गाइज मेरा यहाँ पे एक वेबसाइट है सोचो और सीखो। तो आप यहाँ पे आके यहाँ पे फ्रेंड्स एससी पोर्टल जिस तरह का आप सर्विस यहाँ पे चाहते हैं आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे एक यहाँ पे लोगो है, देना यहाँ पे मेनू है आपको यहाँ पे दिखेगा और गाइज यहाँ पे इसका जो सब मेनू है और यहाँ पे कुछ पोस्ट वगैरह शो हो रहा है और यहाँ पे गाइज यहाँ पे सोशल मीडिया का जो लिंक होता है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो गाइज कुछ इस तरह का तो क्रिएट यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और यहाँ पे मेनू चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेनू है, मेन मेनू हो गया और ये सब मेनू हो गया। तो गाइज इसको चेंज करने के लिए चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे और यहाँ पे आने के बाद आपको गाइज यहाँ पे लेआउट पे ही रहने देना है। देन आपको ऐसा देखेगा तो आपको यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे मेनू मेन मेनू दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे पेंसिल का बटन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे क्लिक जैसे ही आप कीजिएगा तो आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। तो गाइज आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है और नीचे करने के बाद आपको यहाँ पे शो होगा पूरा जितना मेनू है गाइज। यहाँ पे होम दिखेगा आपको, फीचर्स और यहाँ पे मल्टी डाउनलाइन, यहाँ पे आपको जो शो हो रहा है आप सब मेनू है। आपको इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं। तो किस तरह से आप दे सकते हैं गाइज मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फीचर्स दिख रहा है, अगर आप फीचर्स के जगह पे कुछ और नया ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे गाइज दिखेगा एक एडिट ऑन डिलीट, तो आपको यहाँ पे एडिट वाले पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एडिट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको फिर से नीचे आना है और आपके सामने इस तरह का ओपन होकर आ जाएगा। आपको इस साइड में दिखेगा यहाँ पे नेम, जैसे कि ए नेम है और यहाँ पे यूआरएल है, ठीक है गाइज। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फीचर्स है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी शो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसा कि मैं वेबसाइट पे आइए और यहाँ पे आपको दिखेगा फीचर्स,
तो इसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे आना है, और इधर आने के बाद देखो फीचर्स में, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ, चलिए यहाँ पे डेमो लिख देता हूँ। और आपको फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि उस लिंक पे कोई क्लिक करे तो एक नया पेज पे डायरेक्ट हो जाए, तो आपको यहाँ पे हैच जो दिख रहा है यहाँ पे URL, आपको वहाँ पे उसका लिंक डाल देना। तो मेरा वेबसाइट है, मैं इसको इसका लिंक को यहाँ पे कॉपी करता हूँ कंट्रोल C से, देन यहाँ पे आता हूँ गाइज, और इस पे क्लिक करके और यहाँ पे इसको हैच को हटा देना है, देन कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर देते हैं। देन आपको फ्रेंड्स यहाँ पे सेव का बटन मिलेगा, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा और नीचे में आपको मिलेगा फ्रेंड्स सेव का बटन, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आना है अपने वेबसाइट पे, और इसको एक बार रिफ्रेश कर देना है। तो जैसे ही इसको फ्रेंड्स आप रिफ्रेश कीजिएगा तो आपको यहाँ पे फीचर्स के जगह पे मैंने जो यहाँ पे अभी डेमो दिया था वो आ गया है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डेमो आ गया है ओपन ऊपर। ओके गाइज, तो आप इस तरह से किसी भी सबको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड डिश टेम्पलेट है, अगर इस पर कोई क्लिक करेगा तो इस टेम्पलेट जो आप यूज कर रहे हैं उसको कोई डाउनलोड कर सकता है, बट इसका लिंक आपको यहाँ से हटाना है। आप चाहते हैं कि इसका कोई जो आप अभी टेम्पलेट यूज कर रहे हैं इसका कोई यूज नहीं कर पाए, तो आपको सिंपली वहीं पे आना है। देन आपको यहाँ पे मेन मेनू को ओपन कर लेना है, और इधर आने के बाद गाइज आपको सिंपली नीचे में दिखेगा यहाँ पे, आप देखिए सबसे लास्ट में दिख रहा है डाउनलोड दिस टेम्पलेट, तो आपको सिंपली इस पे एडिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। और इधर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए URL था यहाँ पे, आपको यहाँ पे लिंक शो हो रहा है, तो आपको सिंपली इसको क्या करना है गाइज, यहाँ पे करना है और इसको पूरा को हटा देना है। ये कंट्रोल ऐसे और सिलेक्ट कीजिए और बैक स्पेस से हटा दीजिए, और यहाँ पे एक हैच डाल दीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना नाम कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ अबाउट, ठीक है, अबाउट अस। ओके गाइज, देन आपको यहाँ पे लिंक अपना डालना है तो आप डाल सकते हैं। मैं इस सबका यूज आने वाले वीडियो में आप सभी को एकदम विस्तार से बताऊंगा क्या क्या चीज इसका यूज होता है गाइज, इसको कैसे पेज क्रिएट किया जाता है, कैसे पोस्ट क्रिएट किया जाता है, मैं A to Z आप सभी को बतलाऊंगा, एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाकर आप सभी को बतलाऊंगा। तो गाइज उसके बाद यहाँ पे देने के बाद आपको यहाँ पे सेव का बटन दिखेगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। देन आपको नीचे में भी सेव का दिख रहा है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है, उसको सेव कर लेना है। देन आपको आना है अपने वेबसाइट पे और देन आपको इसको रिफ्रेश करना है। जैसे ही आप यहाँ इसको रिफ्रेश कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अबाउट अस आ गया है और वो डाउनलोड दिस टेम्पलेट हट गया है। तो गाइज यहाँ पे आपको आने के बाद उसको डाउनलोड नहीं कर पाएगा। ओके गाइज, तो यहाँ पे इतना करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी फ्रेंड्स यहाँ पे मेनू दे सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे मेन मेनू, यहाँ पे मेगा मेनू जो है आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो मेन मेनू पे फिर क्लिक करते हैं गाइज। और यहाँ क्लिक करने के बाद चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ है मेगा मेनू, ये रहा मेगा मेनू, एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे रेक्टेंगल मेगा मेनू यहाँ पे शो हो रहा है। आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज यहाँ पे आने के बाद आपको अपने दिखेगा अपने वेबसाइट पर, तो आपको यहाँ पे एरर नो पोस्ट फाउंड। तो चलिए मैं एक पोस्ट क्रिएट करके बता रहा हूँ आप सभी को यहाँ पे टाइम बचाने के लिए। फ्रेंड्स जो मेरा ये वेबसाइट है मैं यहाँ से एक को कॉपी करूंगा और उसमें जाके पेस्ट कर दूंगा। अगर आप एक अपने लिए बना रहे हैं तो गाइज आप ऐसा मत कीजिएगा, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, नहीं तो कॉपीराइट का इशू आ सकता है। ओके गाइज, मैं आने वाले वीडियो में आप सबको क्लियर कर दूंगा, बतला दूंगा कि आपको पोस्ट कैसे लिखना है, कहाँ से सर्च करना है टॉपिक, और बिना और कॉपीराइट वह पोस्ट है कि नहीं है, इमेज कॉपीराइट है या नहीं है, A to Z में आप सभी को बतलाऊंगा गाइज। और किस तरह से फ्री में इमेज आप डाउनलोड कर सकते हो बिना कॉपीराइट का, आप आने वाले वीडियो में मैं A to Z क्लियर करूंगा। ओके गाइज, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना डेफिनेटली, ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके गाइज, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एक मैं यहाँ पे पोस्ट ओपन किया हूँ तो मैं सभी आप सभी को बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप में फुल डीपी कैसे लगाए। ओके गाइज, तो ये मेरा जो है टाइटल हो गया गाइज। उसके बाद नीचे आते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा गाइज, यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया का लिंक है, आप यहाँ पे इसको शेयर कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे एक टाइटल लिखा हुआ आ रहा है और इसके नीचे में एक डिस्क्रिप्शन है। तो मैं आप सभी को इस सबको बतला रहा हूँ किस तरह से आप इसको लगा सकते हैं।
तो चलिए सबसे पहले इसका टाइटल मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इधर आते हैं अपने, और यहाँ पे आने के बाद गाइज आपको ऊपर में यहाँ पे दिखेगा पोस्ट, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे दिखेगा देयर आर नो पोस्ट, एक भी अभी पोस्ट हमने हम लोग क्रिएट नहीं किए, तो यहाँ पे पोस्ट शो नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखेगा आपको न्यू पोस्ट, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक जैसे कीजिएगा तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन होकर आ गया है गाइज, आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे टाइटल, ओके गाइज। और यहाँ पे आपको कुछ एडिटिंग का दिया हुआ है टूल बार, आप इस सबको यूज में बताऊंगा, एक एक चीज का यूज में बताऊंगा, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइटल जो हमने अभी कॉपी किया उसको यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद नीचे आइए, और यहाँ पे आने के बाद गाइज आपको इधर से मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, जैसे इसको टाइटल यहाँ पे इसको हेडिंग बनाना है, तो इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और फिर जाते हैं वहाँ पे और इसको यहाँ से करते हैं गाइज पेस्ट। तो ये इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा गाइज इस साइड में, यहाँ पे गाइज बाय द वे यहाँ से कोई पोस्ट आपका डिलीट हो जाए तो आप कंट्रोल जेड करके आप इसको वापस ला सकते हो। तो चलिए इसको हेडिंग बनाने के लिए इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा पैराग्राफ, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको हेडिंग दिखेगा, तो आपको यहाँ पे हेडिंग, सब हेडिंग, आपको माइनर हेडिंग, पैराग्राफ, नॉर्मल, आपको क्या क्या रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको हेडिंग करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हेडिंग हो गया है। देखना मैं थोड़ा नीचे आता हूँ और इसको व्हाट्सअप और यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है गाइज। मैं इस इमेज को भी कॉपी कर लेता हूँ आप सभी को दिखाने के लिए, मैं यहाँ पे पूरा पोस्ट कॉपी करूंगा ताकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है दोस्तों कि एक एक चीज आप सभी को बताऊं, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, फिर आप सब बोर हो जाओगे, पता नहीं वीडियो छोड़ के भी कितने लोग चले भी गए होंगे। तो गाइज अगर आप सीखने आते हो तो पूरा सीख कर जाओ यार, क्यों बीच में छोड़ना, क्या मुझे समझ में कुछ नहीं आता है, पता नहीं। चलो गाइज जितने लोग देख रहे हैं वो कम से कम सीख के तो जाएंगे, और यहाँ पे कॉपी करते हैं और फिर आते हैं इधर और इसको यहाँ पे गाइज इसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे गाइज यहाँ पे सब कुछ पेस्ट हो गया है, और यहाँ पे पेस्ट होने के बाद गाइज मैं इस चीज को आने वाले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, आप सभी को इसको पूरा फीचर्स के बारे में बता दूंगा, ओके गाइज। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको गाइज इस साइड में भी आपको दिखेगा यहाँ पे लेवल्स, ठीक है, यहाँ पे परमालिंक, लोकेशन, ये सब आने वाले वीडियो में मैं बता दूंगा। देन आपको सबसे पहले अगर प्रीव्यू, इसका प्रीव्यू देखना है तो आप इस पर क्लिक करके प्रीव्यू देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप पब्लिश दिख रहा है, आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पब्लिश पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पूछेगा गाइज, बोलेगा कन्फर्म करना है, यानी कि इसको पब्लिश करना है ना, तो हाँ यहाँ पे पब्लिश तो करना ही है, तो इसको देन यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। जैसे कंफर्म करेंगे गाइज यहाँ पब्लिश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पोस्ट पब्लिश हो गया है, और यहाँ पे जहाँ पे नो पोस्ट लिखा आ रहा था यहाँ पे एक पोस्ट नजर आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं अपने वेबसाइट पे, देन आपको यहाँ पे रिफ्रेश के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे देखिए वह पोस्ट ओपन होकर आएगा। तो देखिए थोड़ा नीचे आइए और यहाँ पे आपको दिखेगा आपका पोस्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो जैसे ही आप गाइज इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके वेबसाइट पे कोई आएगा, तो ये इस तरह का उसको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है गाइज, और यह पोस्ट पूरा पढ़ सकता है। और इस साइड में जो दिख रहा है गाइज यहाँ पे सर्च दिस ब्लॉक, इस सब का ऑप्टिमाइज मैं करूंगा, कस्टमाइजेशन आपको सभी को बतलाऊंगा किस तरह से करना है गाइज, ठीक है। तो यार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि गाइज सब्सक्राइब करने पे आप ही को फायदा होगा, ओके गाइज, ताकि आने वाला वीडियो आप मिस नहीं कर पाए और इसका पार्ट बाई पार्ट आप देखेंगे तभी तो आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है यार, मेरा काम है आप सभी को कहना, अब करना नहीं करना है आपके हाथ में, ठीक है। तो अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो गाइज यहाँ पे ये पोस्ट एक हो गया है, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को अब यहीं पे खत्म करना चाहिए, और गाइज आने वाले वीडियो में आप सभी को बतलाऊंगा पूरा कस्टमाइजेशन, आप सभी को करके बतलाऊंगा, ठीक है।
तो चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।